तो हेलो गाइस, तो फिर आज मैं इस नथिंग फोन वन का रियल लाइफ टेस्ट करने वाला हूँ। तो अब मैं आपको दिखा था उसका चार्जिंग है लगभग 99%। तो इस फ़ोन को अभी मैं लेके जाने वाला हूँ बाहर, मैं आज में पूरा एक दिन बाहर रहने वाला हूँ। तो इसको मैं यूज़ करूँगा एज अ जनरल पर्सन एंड इसका कैसा रिव्यू मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आपको परचेजिंग डिसीजन बनाने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ोन जो है इन अ सिंगल डे कैसा रहेगा। तो पूरी वीडियो को देख लीजिएगा, वीडियो लाइक करना, अच्छा लगा तो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैंने सबसे पहले सोचा यार थोड़ा कुछ सूदिंग म्यूजिक सुन लेता हूँ स्पॉटिफाई पे। ऑल दो एडवर्टाइजमेंट सुन के पक गया, बट स्टिल मैंने स्पॉटिफाई पे लगा दिया। थोड़ा गाना सुन के और थोड़ा एक्टिंग करके अब मैं स्पॉटिफाई में गाना बंद कर दिया और मुझे लगभग 17 मिनट के प्लेबैक के बाद 3% का लॉस हुआ है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा कॉमेडी देखने का मन हुआ तो मैंने अमेजोन प्राइम वीडियो जो है डेटा पैक पे लगाया। लोकल ट्रेन में ना नेटवर्क का इशू थोड़ा हो जाता है तो ज़्यादा नेटवर्क खींचने से बैटरी ड्रेन ज़्यादा हो सकता है। बड़ी मुश्किल से मैंने इस शो को लगा लिया एंड मैं इसको देखता हूँ मैं जब तक ट्रेन से उतरूंगा यही देखता रहूंगा। तो अभी मैं स्टेशन से उतर गया हूँ एंड मैं अभी भी ये वीडियो देख रहा था, तो इसको मैं अभी पॉज कर देता हूँ। तो अभी टाइमिंग इसका हुआ है 12:22 एंड अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उसका बैटरी कितना रहा एंड देन फिर आगे अपन थोड़ा गेम खेलेंगे, थोड़ा वीडियोस वगैरह लेके, तो देखेंगे इसका बैटरी परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो यार मैंने सोचा कि बैठे बैठे बोर होने से अच्छा कोई कैजुअल सा गेमिंग कर लेता हूँ। तो बीजीएमआई तो नहीं खेल पाया तो मैं एक नॉर्मल सा गेम निकाल के उसको खेल लिया। तो मैंने लगभग 15 मिनट का गेम खेला एंड मेरा बैटरी ड्रॉप हुआ 82%। बट इसमें आप ये भी समझ लो कि इसमें बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड है, जैसे फोटो लिया या फिर कॉल उठाया वगैरह। अब मैंने सोच लिया को कोई एक डेडिकेटेड कॉलिंग कर लूँ, एक दोस्त को फोन करके मैं बोर करा देता हूँ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, काम का लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो मैंने उससे 17 मिनट बात किया, वो भी पक गया एंड मैंने कॉल कट कर लिया एंड मेरा बैटरी रहा 80%। तो अब मैंने सोचा कि कोई यार यूट्यूब का वीडियो देख लेता हूँ, वो भी डेटा पैक पे। तो यहाँ पे भी वही सेम फंडा यूज होगा जो हमने अमेजन प्राइम वीडियो देखते टाइम हुआ, नेटवर्क का भी थोड़ा इशू यहाँ पे हो सकता है। तो अब मैं आपको ओवरऑल रिजल्ट बता देता हूँ। तो मेरे घर आके बैठने के बाद यहाँ पे मुझे 70% का बैटरी बाकी रखा है, लगभग 30% बैटरी ड्रेन हुआ है। स्क्रीन देख सकते हो 2 घंटा 2 मिनट का मैंने यूज किया है। 34 मिनट्स के लिए मैंने प्राइम वीडियो देखा था जो मैं मॉर्निंग में देखा था, उसके आप देख सकते हो मोबाइल स्टैंड बाय एंड गूगल प्ले सर्विसेज कितना यूज कर रहा है बैटरी। तो उसके बाद हमारा मेन जो है कैमरा मैंने यूज किया था 12 मिनट के लिए, जिसके मैंने क्लिक्स डाले थे। यूट्यूब मैंने यूज किया लगभग 34 मिनट्स का, कॉलिंग मैंने किया था आधे घंटे का एंड अब गेमिंग में 15 मिनट किया था एंड स्पॉटिफाई भी लगभग 33 मिनट का मैंने यूसेज किया था। व्हाट्सएप मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, 10 मिनट का यूसेज ही हुआ एंड क्रोम भी ज्यादा यूज नहीं किया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम को या फेसबुक को ऐड करना है। आपने अगर उसको ज्यादा स्क्रॉल किया है, थोड़ा बहुत आपके यूसेज पैटर्न अगर ज्यादा होगा तो आपको लगभग 20-25% उसको यहाँ पे ऐड करना होगा। एंड अगर आप और थोड़े टाइम ज्यादा रहोगे, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो 12 घंटा बाहर हो, तो 15-20% उसका भी ऐड कीजिएगा। तो ओवरऑल अगर आप 12-14 घंटा बाहर रह रहे हो, रेगुलर बेसिस पे इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो उस पर, तो आप एंड ऑफ द डे लगभग 20% पे आप एंड कर सकते हो। ये एकदम लो टू मॉडरेट यूसेज के हिसाब से 30% ही बैटरी का है। हल्का सा वार्म्थ मैंने नोटिस किया था जब हम कैमरा को यूज कर रहे थे एंड हम गर्म एनवायरमेंट में थे। उसके अलावा बैटरी काफी इंप्रेसिव लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी को इस फोन को खरीदना है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा।